बर्तन रख दिए हैं, इसका मैं टाइम लगा दूं जरा। देखें जी, सारे बर्तन धुल गए यहाँ पे और धुआं निकल रहा है। अभी तो मैंने धुआं कम हुआ है तो वीडियो शूट की थी। बाजी आ गई है खाना खाने के लिए। ऊपर का रेग मार 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 के पेंट वगैरह हो रहा है। एक तरफ से चौड़ी है दीवार और एक तरफ से कम चौड़ी है, तो नीचे ना वीडियो शूट हो पाए तो बंदा ऊपर आकर लेता है शूट। इसकी सीलिंग बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों। बाद में चीनी डालना भूल गई हूँ दूध के अंदर। मुझे पता आज तुम मुझे रोटी बनाकर नहीं दोगे क्योंकि मेरी माँ साला लेकर आई है। देखें यार, ये कड़वा साल चाय मानती नहीं। और ना मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ, फ्रिज काफी गंदा हो गया है। देखे ना, ये देखे जी, फ्रिज हो गया है मेरा साफ सुथरा। ये आपकी खाला जो है ना, मक्खन निकाल रही है। खाला ही आप ही हो। कितना आला लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी, हमारे ऊपर वाले फ्लोर की लाइटें ऑन हो गई है। वकास हमें मिठाई खिलाएंगे। आप सारी लाइटें देखोगे अब कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हमेशा मेरे बेड के पीछे फीडर पड़ा हुआ था, बच्चे पीते हैं ऊपर रख देते हैं। तो खैर, आज की वीडियो है बहुत अच्छी वाली वीडियो आज की। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे खिड़कियों के शीशे भी आ गए, लेकिन वो आज वाले ब्लॉग में नहीं मिलेंगे आपको, कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे। आज वाले ब्लॉग में पेंट दिखा रही हूँ मैं आपको, ऊपर का जो बेड का साइज वगैरह लग गए वो दिखाऊंगी, और बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए। एलुमिनियम फिक्स हो गया था सारी विंडोज़ वगैरह का, वो दिखाऊंगी, और मखान निकाला था मैंने। तो चले, टाइम वेस्ट किए बगैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। चाय मैंने रख दी थी उठते साथ ही, मिक्स सब्जी में से आलू निकाले हैं मैंने, उनको मैश किया है। अरविश और बला चला रहे हैं गाड़ी और मेरे मोबाइल का फोकस खराब हुआ हुआ है। खैर, क्योंकि ना इसका जो पीछे कैमरा है ना, उसका शीशा जिस दिन मैं लगवा कर आई हूँ, अरविश बाजी ने मोबाइल फेंका है मेरा, वो टूट गया है दोबारा से। अब वो जाऊँगी लगवा कर आऊँगी, जो दूर की चीज़ें फोकस नहीं कर पाता। ये चॉकलेट खा रहा है पाँच मिनट के। आलू मैंने मैश कर लिए हैं, दो पतली पतली सी रोटियाँ बेल ली हैं, हम दरमियान में आलू रखेंगे, उसको चिपकाएंगे, थोड़ा सा और बेलेंगे, तवे पर डाल के पहले बकास का आलू वाला पराठा बनाते हैं, फिर अपने पराठे बनाते हैं। ठीक है, अभी ना ट्राईपॉड उतना नहीं कहाँ पड़ा हुआ, मैं ट्राईपॉड रख के वीडियो बना लेती हूँ वरना। ओके भाई, तो नाश्ता हो गया रेडी, अभी हम करने लगे नाश्ता। साथ में मिक्स सब्जी गर्म की है, बच्चों के लिए अंडा बना दिया है, ये हमारा आलू वाला पराठा और सिंपल पराठे हैं साथ में। ठीक है, अभी मैं खा चुकी थी, मैंने कहा चलो दिखा तो दूँ ना आपको। तस्वीर बाजी आ गई है खाना खाने के लिए। वाह, कैसा लगा? अच्छा, थैंक यू। डिश वॉशर में बर्तन रख दिए हैं, इसका मैं टाइम लगा दूँ ज़रा। ये स्टार्ट, चलो ये स्टार्ट हो गया। जब तक बर्तन धो लेंगे तब तक कोई और काम कर लेते हैं। ये देखिए ना, ये रूम है ना, तो यहाँ पे वॉल बेड बन रहा है पूरा दीवार पे सारा। अब एक ये दीवार है और एक ये दीवार है। अब इसके सामने है खिड़कियाँ, एक मिनट में दिखाती हूँ। खिड़कियाँ नहीं, खिड़की एक बड़ी सारी। अब ये इतनी सी दीवार है, मैं सोच रही हूँ इस पर टीवी बनाऊँ या इस पर टीवी लगाऊँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका। ये जी, ऊपर का रेग मार 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 के पेंट वगैरह हो रहा है, बच्चे लगे हुए हैं। अच्छा, और एलुमिनियम फिक्स हो गया है ये वाला, बस अभी शीशे लगने रह गए। शीशे ना अभी टेम्पर्ड होके नहीं आए, हमने ना सारे शीशे टेम्पर्ड करवाए थे ना, तो टेम्पर्ड में टाइम लग रहा है उसका, और मिस्त्री दो दिन हो गए आ नहीं रहा यार, बस पता नहीं नज़र लग जाती क्या हो जाता है। खैर, फ्राइडे को आया था, उसके बाद से नहीं आया अभी तक तो। लेकिन माशाल्लाह से एलुमिनियम लग गए हैं सारे, देखे ना वॉशरूम के भी। अब जैसे क्या पता शीशा, आज तो संडे, आज तो आएगा भी नहीं, कल आ जाएगा शीशा। और ये कल बेड वाला आया था, सारे साइजेस लेके चला गया है। अब इसकी दीवार का ना ये था इशू, देखे ना, एक तरफ से चौड़ी है दीवार और एक तरफ से कम चौड़ी है, तो अभी दोनों तरफ से इक्वल करनी है दीवार, और नीचे थोड़ी सी ऊंची, मतलब एक एक ईंट और लगेगी इसके ऊपर बेड के उसके हिसाब से, और इसके यहाँ से स्कॉटिंग कटनी है। बाकी टीवी आने लगेगा, टीवी इस दीवार में लगेगा, तो ये सारा हो गया ऐसा सिस्टम। अच्छा, ठीक है, तो बस ये सीन है। लेकिन ये है माशाल्लाह वाइट वाइट होगा ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी ना, मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए जगह है कि अगर नीचे ना वीडियो शूट हो पाए तो बंदा ऊपर आकर लेता है शूट। क्या कहते हो आप लोग, है ना यार? मुझे ना इसकी सीलिंग बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों। आप लोगों को पता नहीं अच्छी लगती है क्या लगती है, लेकिन मुझे इस वाले हॉल की सीलिंग बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। बलाल, मैं नीचे जा रही हूँ, आ जाओ बेबी। भाई, जब मैं नीचे गई थी तो ना मेरा डिश वॉशर बंद भी हो चुका था बर्तन धुल के, तो अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, सारे बर्तन धुल गए, स्टीम भी अब तक कम हो गई क्योंकि ना काफ़ी देर से मेरे ख्याल से धुले हुए थे बर्तन। अब ना इसका पता है क्या सीन है ना, इसमें ना मोस्टली बर्तन जो है ना वो वकास रखते हैं, तो मैं जब भी रखती हूँ ना मुझे भूल जाता है कि उल्टा करके रखना है, पानी भर जाता है, मग्गे में पानी भर गया है, और दो तीन कप से जो मैंने सीधे रख दिए थे उसमें पानी भर गया है। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बिजली का बिल तो नहीं ज़्यादा आता, तो दिन में चलाओ तो नहीं इतना ज़्यादा आता। दूसरी चीज़ है कि पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करता, नहीं भाई, पानी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। और इसके अलावा शीशे के बर्तन, डिनर सेट के बर्तन सारे बहुत अच्छे से धो देता है, चाय वाली देगचियां भी अच्छे से धो देता है, बड़े जो दूध वाले बर्तन है ना वो मतलब वो साफ तो कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करता जैसे हम तारों से साफ करते, तो वो खुद धोने पड़ते हैं बस। माशाल्लाह जी, हमारे ऊपर वाले फ्लोर की लाइटें ऑन हो गई है, वकास हमें मिठाई खिलाएंगे। ये सब येलो लाइटें तो ऑन करके दिखाओ, वो नहीं ऑन हो सकती, ये तो जाती है ये सब।
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लाइटें ऑन हो गई हमारी। ओ बाहर की मारोगे, हटो देख रहा था तस्वीर। माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी जब आएंगे। शेड पे दो ही लाइटें हैं ये बस, तो ये गोल्डन क्यों नहीं लगाई है? इस कमरे की सिर्फ तीन लाइटें यूसुफ ने ऑन की है, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है यार। ओ यूसुफ को जोश आ गया, सो कहता सारी ऑन कर देता हूँ मैंने कि ये बिल तुझे आप भरना है। चलो यूसुफ बहुत उदास है, यूसुफ की बेगम चली गई है, ब्रेकर से होंगी ना। माशाल्लाह पेंट वाले आए आज, उन्होंने सारा देखे रेग मार मार के घिस घुस के सारा प्राइमर कर दिया। अल्लाह करे अब खिड़की वाला आ जाए कल। ये हमारा कैमरे वाला भी जो जगह टूटी हुई थी ना, ये भी सारी सही हो गई है। वहां से प्लास्टर टूटा हुआ था, ये भी सही हो गया है। ये देखें जो जो प्लास्टर होने वाले थे वो भी सारे हो गए, तो इतना अच्छा लग रहा है। ये सब छोड़ो, ये बातों में लगा रहे, तो मैं लाइट ऑन करो, लाइट जलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं नीचे जाके दिखाती हूँ। ओके भाई, तो माशाल्लाह से इस कमरे की लाइट जल गई। अब मैं जा रही हूँ नीचे, मैं आपको नीचे से जाके दिखाती हूँ अपने टेरेस की लाइटें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी आज माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं अभी नीचे जाती हूँ ना, आपको सारी लाइटें ऑन करके दिखाती हूँ, बाहर गैराज की और बाहर जहाँ पे ग्रीन एरिया वो और टेरेस की भी, उन्हें देखते हैं घर कैसा लग रहा है बाहर से। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से, पता नहीं बाहर विकी बाहर टेरेस की तो जल गई लाइट है, नीचे शेड की लाइट क्यों नहीं जली गैराज की? मेरे ख्याल से तारी हुई है लाइटें, मैंने सारे बटन जलाए नहीं ऑन हुई। ये देखें जी अब सारी लाइटें ऑन हो गई हैं। अभी ना इसकी सीलिंग का कोई मसला था, तो वो आके भी तोड़ के सो गए हैं सीलिंग वाले, किसको हम दोबारा सही करते हैं। अंदर ना रोब लाइट छुप नहीं रही थी इसके, अभी बाहर से ना थंबनेल के लिए पिक्चर खींचती हूँ, कितना आला लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप सारी लाइटें देखोगे अब कैसी लग रही है, अब बलाचा घर कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और छत पर देख रहे हैं पापा, छत पर लाइटें लगा रहे हैं, साइडों से आना। ओके भाई, तो आज हमारी ममटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चलें छत बोल लेती हूँ मैं। छत की भी लाइटें जल गई हैं, देखें जी माशाल्लाह से। वो उस घर की भी जल गई, मेरा ध्यान उस घर क्या उनका घर बन गया, वो लोग शिफ्ट हो गए। अब अल्लाह करे कल दुआ करें कि हमारा खिड़कियों वाला आ जाए, आमीन। ओके भाई, तभी हम बना रहे हैं मक्खन, गरम गरम उबलता हुआ पानी हमने डाला है पहले, अब साथ में डालेंगे मलाई इसके अंदर और मक्खन बनाएंगे हम। ढेर सारी मलाई इकट्ठी हुई है, चलाऊं ढक्कन ढक दूं? 1 मिनट। अच्छा अभी सारी डालनी है। देखो नहीं अभी दूध है, अभी इतनी जल्दी नहीं आती है, नहीं इतनी जल्दी नहीं आती। मलाई और ना डालें यार, ये देखो मक्खन आ गया ऊपर माशाल्लाह से, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना यार, मतलब यार दूध से बंदा क्या क्या बना सकता है ना। अब मैं इसको निकालती हूँ किसी दूसरी चीज में, तो उसके बाद जो है ना और बनाते हैं। अभी हमारे पास ये मलाई है, मैंने पता क्या किया, मलाई के अंदर थोड़ी सी जो है वो दही की छाछ लगाई है मैंने, उसके बाद उसको आधा घंटा छोड़ दिया है। उसके बाद जो है जो अम्मी ने पानी ज्यादा भर दिया था वो हमने कम किया पानी, क्योंकि मेरा जो जूसर है ना ये वाला, ये बहुत पावरफुल जूसर नहीं, अम्मी की जूसर की तरह इतना मर्जी भर दो चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई। हाँ ये गर्म, ये मशीन गर्म हो जाती है, चाइना वाला ये वाला मक्खन बनता रहता है। और ये हमें 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगा, बल्कि इस तरीके से है ना निकल भी आया मक्खन। चले आप इसको निकालती हूँ मैं। आपकी खाला जो है ना मक्खन निकाल रही है। खाला नहीं आप ही हूँ आंटी। हाँ आप ही, आप ही खाला हो गया। तो कोई बच्चों की खाला भी तो हो सकती है तुम। आंटी बोल रहे यार आप ही, मक्खन तुसी पाना भूल गए हो? नहीं खोया। हाँ खोया 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 पाना भूल, तुसी गरीब वाला बना गए तो खादा नहीं जाता। अल्लाह से लेके यार कोई नखरे की बात नहीं है, सच में वो ऐसे खाया नहीं जाता, हर किसी का अपना वो होता है ना टेस्ट। हाँ नहीं लो जी, आपके भाई साहब ने मक्खन निकाल दिया आज। अभी तो और निकालना है। अच्छा सारे हाथों में पड़ गया है, बस अब ठीक है, इसमें पानी निकाल जो पड़ा हुआ थोड़ा। चलिए चलिए आपके गाजर अभी मैं निकाल दूंगी, अभी मैं निकाल दूंगी अभी। अच्छा ठीक है। हां वो तो यूज हो रहा है, बहुत चला है ये, सही छोड़ दो। रफीक साहब
ये खाओगी तुम? अरे बाप रे, हाथ धोने के लो क्यों खाती हो? हाँ, किस तरह? रोटी पे रख के चीनी रख के। हाँ हाँ, मैं भी ऐसे खाता हूँ। वैसे मैं नहीं खाती हूँ, मैं ना अम्मी मैं बचपन में रूखा चम्मच के साथ खाती थी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं चखा देखो, फ्रेश फ्रेश मक्खन। नहीं मैं चखता नहीं हूँ। मक्खन बनाई, मक्का की रोटी। हाँ मक्खन साथ से मक्के की रोटी। हाँ ऐसा ही कुछ। अब चल नहीं रहा है पहले मैंने इतना। क्या भाई, तो मैंने अभी अभी खाना खाया है, बहुत ही मजे का यार, नली से इतनी मिख निकली ना, मजा आ गया खा के। अभी चिप्स बनाए हमने, अभी चिप्स खाने लगे हम। ये क्या आलू मीठे? बोतल नहीं पीनी है। भाई तो मैं रोटी बना रही हूँ, सालन जो है वो मिक्स सब्जी जो मम्मी लाई थी वो गरम कर रहे हैं काश। अब आज गाड़ी नहीं चलाना, मैं वीडियो बना रही हूँ, तस्वीर बना रही हूँ अपने लिए मैगी, और मैं बना रहा हूँ अपनी। खुद आपने खा ली है? मेरी माँ मेरी जन्नत के दिया हुआ तोहफा। हाँ जी खाएं खाएं, बिस्मिल्लाह नसीब करें। यार वाइट आटा क्यों लाते हो भाई? बहुत कमेंट आता है, बहुत ज्यादा कि वाइट आटा खिला खिला के आपने मेरा सुन लो। कोई ब्लैक आटा खाता है, कोई लाल आटा खाता है, कोई नीला खाता है, कोई पीला खाता है, कोई बस रिलैक्स मेरी सुनो। वो कह रहे हैं कि आपने ना वकास भाई को वाइट आटा खिला खिला कर, वो कह रहे हैं कि आपने वकास को वाइट आटा खिला खिला के गंजा कर दिया है। इसमें गंजा होने वाला कोई कलर नहीं है, क्योंकि इस वाइट आटे से पहले था मैं गंजा। अब मेरी बात सुनो, मुझे जो मेरा बंदा ला के देगा मैंने वही पकाना है ना, तो वही पकाते हैं ना वो, मुझे कहते हैं यार आपको बोले ना जो बोलना है आपका। अब इंस्टाग्राम दो, इंस्टाग्राम दो, मेरा इंस्टाग्राम है, मैं इनका व्हाट्सएप नंबर लगाऊंगी, जो कहना इनको कहो। नहीं जो कहना है आपने नाम लिख के साथ में कहना, लिख के ले कहना है। वेरी साफी, बस दो रोटियां बहुत है साफी बोले। अरे यार तो बलाच गाड़ी है ना, बलाच गाड़ी बलाच, मेरा कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा। बलाच नहीं करो, प्लीज नहीं करो बलाच, अल्लाह का वास्ता है, नहीं करो यार, प्लीज नहीं करो, शोर नहीं करो। जीप बोलते नहीं इसको, जीप बोलते हैं, अजीब नहीं बोलते, जीप। देना वकास का बिहेवियर देना बच्चे के साथ, कैसे उतारेंगे उसको। प्यार नहीं करते मेरे बेटे को, मेरे पास आ जाओ, गंदे पापा गंदे। मुझे बता किसने मारा? बलान ने नहीं मारा, पापा ने मारा है बेबी, पापा ने मारा, पापा ने मारा है मिच्छू नहीं। मैं अपने लिए गरम करने लगी हूँ पुलाव वाले चावल, यखनी वाला पुलाव बनाया था ना मैंने, वो गरम करने लगी हूँ अपने लिए। अब भाजू किसने मारा था? बलाज ने मारा था, बलाज के अब्बा ने मारा था, मारा नहीं था, गुस्सा किया, गुस्सा भी नहीं किया था, तारा था खाली टेबल से। बाकी मिक्स सब्जी रख दूं? ओके भाई, तो मैंने अपने लिए गरम किया है मेरा मटन पुलाव, और आकाश खा रहे हैं मिक्स सब्जी, मैं भी चख लेती हूँ। बट मैंने मटन पुलाव खाना क्योंकि मैंने बहुत शौक से बनाया था कल, और बचा हुआ है क्योंकि कल ना रोस्ट ज़्यादा मज़े का था, और मेरे पास छोटा टेबल था, बड़े टेबल का शीशा टूट गया था, वो छत पर रख दिया था मैंने, तो छोटे टेबल पे मैंने पहले फ्रूट सर्व किए थे, फिर जूस सर्व किया था, फिर मैंने रोस्ट सर्व किया था, पहले सबने रोस्ट खा लिया था, फिर चावल किसी ने इतने शौक से नहीं खाए, फिर ना मैंने सर किया था ज़्यादा वगैरह ना अम्मी को डाल दिए थे, मैंने तो खाए थे चावल, मतलब आधी आधी प्लेट खाई थी मैंने, तो पूरी प्लेट खाई थी, और फिर मैंने रात को भी खाया, तो अभी मैं फिर खा रही हूँ क्योंकि बहुत मज़े के बने थे, मेरी पसंद के चावल बने थे। मिक्स सब्जी अच्छी बनी है, खाई आपने सब्जी? हीरोइन कैसी बनी है? अरमिश को भी बुलाओ, आज क्या डेट है? 32 कब आती है डेट? हैं डेट बताओ, 31 से एक दिन पहले आती है यार, डेट बताओ आज। मुझे क्या पता, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कभी डेट देखी नहीं आज। मंथ कौन सा मंथ? फरवरी में क्या हुआ था? वैलेंटाइन। ये देख ले यार, ये हर साल ऐसे करते हैं। आज ना मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ, फ्रिज काफ़ी गंदा हो गया है देखिए ना, और बस मैंने वो तो धो लिया, इसका वेजिटेबल बॉक्स ये वाला भी, ये बर्तन धोए हैं मैंने हाथ से दावत वाले सारे, अब फ्रिज साफ करती हूँ। ये देखिए जी, फ्रिज हो गया है मेरा साफ सुथरा, अब हम लगाते हैं वेजिटेबल बॉक्स वगैरह। मैंने कहा वकास को आप लगाए, मैं जालियाँ धो दूँ इसकी। ओके भाई, सो फाइनली फ्रिज हो गया साफ, उफ मेरी जान छुट्टी में जा रही कमरे में। ओके भाई, तो मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी वाला शेक, और साथ में चीनी डालना भूल गई हूँ दूध के अंदर, तो चीनी गिलास में मिक्स करके थोड़ा सा दूध और लिया, उसे चीनी मिक्स करके अब जग के अंदर डालूंगी, तो फिर अगर मैंने डायरेक्ट डाल दी चीनी, बताने मिक्स होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध लिया, उसमें चीनी जब अच्छे से घुल जाएगी ना फिर शेक में डालूंगी, फिर मेरे काम ख़त्म, फिर हम जाएंगे कमरे के अंदर।
ओके भाई, तो अभी मैं पी रही हूँ शेक। आकाश को मैंने बेड से नीचे फेंक दिया, आपको दिखाती हूँ कहाँ पे। इस फ्रंट कैम से देख ले तेरे, पता क्या करता, हिलते नहीं है यार बिल्कुल भी। लेटर लेटर मुझे कहते हैं, मुझे पता आज तो मुझे रोटी बनाकर नहीं दोगे क्योंकि मेरी माँ साला लेकर आई है। देखें यार ये कड़वा साचा मानती नहीं, और फिर दो रोटी बना के दिए, दोनों खा भी गए फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा शोर, सबके शोर ऐसे होते हैं यार। ये बात तुम पूरी नहीं बता रही हो। आपने आपको मिल्कशेक नहीं दिया पापा ने? मिल्कशेक दो भाई बलाज को। खैर मैं मिल्कशेक पी लूं यार, गिर जाएगा यार। कसम से 3 बजे रात के, मुझे इतनी सख्त क्रेविंग हो रही थी मैगी खाने की। मैंने उठ के मैगी बनाई है, स्ट्रॉबेरी शेक बचा हुआ था वो डाला है, चॉकलेट बची हुई थी थोड़ी सी, चने मकाने दही वाले वो डाले, और एक और चीज़ थी इसके अंदर, हाँ बस यही थी, बबल डाली है। यस अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ कमरे में और खाते हैं, बच्चे सो गए। सो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वकास को मैंने कहा है पूरे कमरे की लाइट जला दें, वकास है एंड मेरे सर के ऊपर वाली लाइट जलाई, जिससे देखें मेरे फेस के ऊपर ये शेडो आ रहा है, साया आ रहा है सारा, ऐसे बताया मैं क्या करूं। अब वकास से लाइट बंद ही कर दी, सामने वाली ऑन करें ना, उससे रोशनी अच्छी आती है ऐसे। अब ये मुझे पी लिया हो गया। हाँ ठीक है, तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हर चीज़ के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हर नेमत के लिए। तो बस यार ढेर सारी दुआएं करना, और ये भी दुआएं करना कि अल्लाह ताला आप ही के घर का काम खैरियत से हो जाए, कोई मसले मसाइल लीकेज कोई परेशानी ना आए, कोई मसला बन रहा हो तो अपने करम से उसको हल कर देना अल्लाह ताला, आमीन सुम आमीन। जैसे कहीं लीकेज थी तो अल्लाह ने नज़रों के सामने ले आई कि वो लीकेज है और वो हमने सही करवा ली। तो इस तरह से कोई भी मसला घर में हो, कोई परेशानी हो जो लॉन्ग टाइम में जाके हमें डिस्टर्बेंस कर सकती है या तकलीफ दे सकती है और हमारे घर को डैमेज हो सकता है उस चीज की वजह से, तो ऐसा कोई भी मसला ताला ना हो, अगर है तो प्लीज सामने ले आए ऐसे ऐसा। आप लोगों ने दुआ करनी कर ताला आपके घर का काम खैरियत से हो जाए, आमीन सुम आमीन। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और मुझे भी दुआओं में याद रखना, और मेरे मेन चैनल की वीडियोज को भी वॉच कर लिया करो, मैं कम्युनिटी पर शेयर कर देती हूँ, आप लोग देख लिया करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।